हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी अली हब में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, खास करके जम्मू वालों के लिए, क्योंकि इस तरीके का पहला वीडियो आपको शायद ये अपने यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। दोस्तों आज का वीडियो जो है उसका टॉपिक है हमारा कि हम घर बैठे किस तरीके से अपने लर्नर लाइसेंस के टेस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर उसको किस तरीके से हम घर पर बैठकर दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम आपको अपने टेस्ट को एक्टिवेट करना है। आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लाइव आपको टेस्ट का देखे बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमें अपने टेस्ट को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सारथी परिवहन gov.in की साइट पे आ जाएंगे और उस पे आके हमें कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमें देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ पर साइट पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक मोड पे रखेंगे, अगर हम इसको मोबाइल मोड पे रखते हैं तो हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप मोड पे रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेंगे। डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद हमें यहाँ पर ऊपर सबसे टॉप में एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो जब यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद डेटा पर डालेंगे, उसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, उसको हम यहाँ पर डालेंगे। चलिए हम देख लेते हैं पहले इतना करके। हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल लेते हैं, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं और फिर कैप्चा डाल के सबमिट करके आपको बता देते हैं। तो जब हम कैप्चा डाल के एंटर करते हैं, सबसे पहले तो हमें इस तरीके का जो है डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे क्लिक करके लर्नर लाइसेंस टेस्ट दे सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, प्लीज़ ब्राउज द रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल बिफोर प्रोसीडिंग फॉर LL टेस्ट क्लिक है। यानी कि आपको लर्नर लाइसेंस टेस्ट देने से पहले आपको ये एक ट्यूटोरियल है इसको देखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा। वो वीडियो पूरा देखेंगे आप पूरा, तो उसके बाद जो है आप लर्नर लाइसेंस का टेस्ट दे पाएंगे, वरना आप लर्नर लाइसेंस का टेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक OTP जो है वो जनरेट करना होगा, तो हम यहाँ से OTP जनरेट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक OTP जो है हमारा जनरेट हो जाएगा और OTP जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर चला जाएगा। हम यहाँ पे OTP डालेंगे और इसको सबमिट कर लेंगे। मोबाइल में हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए हम डेस्कटॉप पे खोला और ये देख सकते हैं वीडियो का आइकन यहाँ पे है, इसको हम प्ले करेंगे और इसको प्ले करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके का आगे हमारे सामने इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम जूम भी कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो जो है ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी, इसको प्ले बटन पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये वीडियो हमारे सामने जो है एक चलना स्टार्ट हो जाता है। इस वीडियो को हमें पूरा वॉच करना है, इसको पूरा देखना है, इसको आगे नहीं करना है। अगर हम इसको आगे करेंगे तो ये इंटरप्टेड हमें शो करेगा, तो हमारा जो है टेस्ट एक्टिवेट नहीं होगा। फिर हमारे सामने ये तीन डॉट आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और फास्ट स्पीड में देख सकते हैं या इसकी पिक्चर भी हम देख सकते हैं। एक बार क्लोज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जब हम वीडियो देख लेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक मैसेज ग्रीन हमें दिखेगा कि आपने वीडियो को व्यू कर लिया सक्सेसफुली और अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं सबमिट के लिए। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे टिक लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल, नाउ प्रोसीड फॉर लर्नर टेस्ट। यहाँ से हम होम पे आ जाएंगे। होम पर आने के बाद फिर से हमें क्या करना होगा, वहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जो दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर आकर हमें क्लिक करना है। तो सेम जैसे हमने पहले एप्लीकेशन नंबर डाला था, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी और कैप्चा डाला था, ये डाल के हमें सबमिट कर देना है और फिर हम जाके वहाँ पर लर्नर टेस्ट का जो ऑप्शन आएगा वहाँ पर क्लिक हेयर करके वहाँ से हम लर्नर टेस्ट को दे सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो है लाइव अपना टेस्ट देना है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपने टेस्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों पसंद आए तो यूट्यूब से शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।